कृष्ण किचन, मैं हूँ जयश्री पावर और आज हम बनाएंगे गोभी के पकोड़े। तो इसके लिए हम गोभी के खेत में आए। ये मेरे भाई का खेत है और ये यहाँ से हम अच्छे अच्छे चुन कर लेंगे। और जो मेरे पीछे खेत दिख रहे ये पोमग्रेनेट का है, अनार के खेत है, ये भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब हम देखेंगे कौन सा चेक, इसको देखते ये नहीं, इससे हम थोड़ा अच्छा तो नहीं, इसको नहीं, ये सही लग रहा है, बड़ा भी है और मोटा भी है, निकालने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं अब इसको काट लूंगी। ये देखो कितना बढ़िया है, एकदम फ्रेश है, खेतों का मिला है हमें। अब इसी के हम बनाएंगे और एक ले लेते हैं। अब हम चलेंगे हमारे चूल्हे के पास। हमने अभी जो काट के लाए खेत से, एकदम फ्रेश वाली फ्लावर लाए हैं, उसको हम अभी कट कर लेंगे। और ये मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। अब हम इसको काट लेंगे छोटे छोटे पीस में। इसमें कीड़े होते हैं ना, इसीलिए इसको ना हम ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। उबले हुए पानी में हम इसमें नमक डालेंगे और उबले हुए पानी में इसको 10 मिनट तक रखेंगे, तभी हम इसको यूज करेंगे। इसको मैं बड़े बड़े सेप में काट लूंगी ऐसे, इस तरह से कट करेंगे हम इसको बिल्कुल। और इसको आप हाथ से भी तोड़ सकते हो बिल्कुल ऐसे, नहीं जो आसानी से नहीं टूटे उसको हम ऐसे कट करेंगे। और अभी हम इसको कट करके इस पानी में 10 मिनट के लिए डालेंगे और फिर छन्नी से छान कर इस्तेमाल करेंगे। अभी ये अच्छे से अगले तब तक मैं इस लहसुन को कूट लेती हूँ इसमें, तब तक हम आटा लगा देते हैं। हम बस क्रश करना है इसे, ज्यादा नहीं कूटना है हमें। और ये मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है और 1 कटोरी हम मैदा लेंगे, आधी कटोरी मैदा लेंगे। और इसी में हम मसाले भी मिलाएंगे। ये हल्दी पाउडर डाल दूंगी मैं, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और ये हरा धनिया। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। और इसी में हम अभी मिलाएंगे थोड़ा सा लहसुन जो पीस लिया है मैंने अभी और अजवाइन। गोभी को हमने नीचे उतार कर ले लिया है। अभी मैंने तेल को भी गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसको छान लेंगे और पूरा पानी छोड़कर हम इसका हमारे आटे में डालकर इसको फ्राई कर लेंगे, है ना आशा? गोभी को हमने नीचे उतार ले लिया है। अभी मैंने तेल को भी गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसको छान लेंगे और पूरा पानी छोड़कर हम इसका हमारे आटे में डालकर इसको फ्राई कर लेंगे, है ना आशा? हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें छोड़ देंगे एक एक इसमें मिलाकर।
चम्मच से छोड़ेंगे हम, ताकि वो दोनों ओर से इसको हमारा बैटर। अभी हमारे पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखो कलर भी कितना बढ़िया आया है इसका, एकदम क्रिस्पी बने हैं। और इसको मैं निकाल लूँगी अभी। आज मैं मायके में आई हूँ, ये मेरा गांव है और ये मेरे पापा जी है। तो अब हम दूसरी सेकंड बैच छोड़ देंगे अभी। देखो कितना अच्छा कलर आया है, एकदम बढ़िया सा पकौड़े बन गए हमारे, गर्मा गर्म है बिल्कुल। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राई करना, लाइक करना, सब्सक्राइब और मेरे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हम फिर मिलेंगे मेरे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।